फिर मिलकर अब मेरे साथ ऐ तो बहुत सारे आदमी है लेकिन सब तो वहां भाजपा तो नहीं आएंगे लेकिन पीछे हो गए सब जा रहे काफी ज्यादा जा रहे हैं। मैं अभी शायद कल निकलू या परसों निकलू टाइम को मैं तेरे को वहां पहुंचू और पार्टी इसलिए तो मैंने बोला कि मेरी 60 साल उम्र हो गई मेरी होश पास में मैं 1965 के अंदर मैं चौथी क्लास में पढ़ा था 1965 के अंदर और जो बमबारी जो गोला वो गोलाबारी हो रही है वो सिर्फ हमारे मैन और पॉइंट के अंदर हो रही है आज तक हमें किसी ने पूछा नहीं वहां श्रीनगर श्रीनगर के अंदर जो है ना वहां कोई लड़ाई ना दिख रहा ना कोई और दिख रहा वो लड़ाई सिर्फ हम देख रहे हैं पाकिस्तान की पाकिस्तान बमबारी हमारे पे करता है किसी ने आज तक हमारा कोई फैसला नहीं किया तो नरेंद्र मोदी जी उन्होंने बोला कि मैं ये फैसला कार्य करूंगा इसलिए गवर्नमेंट अच्छी है हम उसको ज्वाइन करना चाहते हैं हम उस मिलिटेंसी को गोलाबारी को बंद करवाने की उनसे रिक्वेस्ट करेंगे तो गोलाबारी बंद होना चाहिए हमारा नुकसान ना हो तो आइंदा के लिए हम भी चैन की जिंदगी अपने बसर कर सकें। जो मिलिटेंसी कब से है जब तक जो हमारे नेता श्रीनगर पे रहे हैं जब तक उनकी कमांड होगी मिलिटेंसी खत्म नहीं हो सकती जब तक वो नेता रहेंगे ये मिलिटेंसी खत्म नहीं हो सकती ये सियासत ला रहे हैं और गरीब लोगों को मरवा रहे हैं इनकी सियासत है अगर इनकी सियासत ना हो तो यहाँ हमारे हिंदुस्तान का नुकसान कोई नहीं ये बार बार बात कर रहे हैं ये हमारा कश्मीर है ये जम्मू है ये ऐसे नहीं है ये हिंदुस्तान है ये अलग से बंटवारा खुद बैठे बैठे अपने चेयर में बैठे ये अपना खुद फैसला कर रहे हैं ये फैसला कोई नहीं है फैसला सिर्फ एक नरेंद्र जो प्रधानमंत्री है वो कर सकता है तीसरा बिल्कुल फैसला नहीं करेगा तो फिर ना पाकिस्तान से उनको बीच बढ़ा के फैसला करेंगे या अपना फैसला खुद करेंगे।